हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं अभी मस्त हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। तो अभी 3 बजे है रात के, मतलब हाँ सुबह के 2:30 या 3 बजे है। आप सोचेंगे कि इतना जल्दी उठ के क्या कर रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं पावागढ़, जो शक्तिपीठ है हमारा, पावागढ़ नज़दीक ही है। मैं और जमीन बस में बैठ के जा रहे हैं सीधे पावागढ़। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है पावागढ़। तो अभी 5:30 बजे है और हम पावागढ़ तो पहुँच गए। अभी यहाँ से हमें चल के सीधा जाना है कहाँ, माची तक। माची वहाँ से, क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं ना, तो वो माची से स्टार्ट होती है जो साड़ी है वो। तो अभी तो यहाँ से हमें माची तक जाना है। वहाँ जीप और वो भी जाता है यहाँ, लेकिन हमने की नहीं। जमीन बोला था कि चल के हम चले जाएंगे, मैंने बोला ठीक है चले जाते हैं, रुक अभी। तो हमें वहाँ जाना है, माता जी का मंदिर डायरेक्ट ऊपर है। पहले माची से हम जो सीढ़ियाँ है वो स्टार्ट करेंगे। अभी तो पहले निकलते हैं माची के लिए। A few moments later. मुझे पता नहीं था हम आदरा से पहुँचे, काफ़ी ऊपर तो आ गए हम। देखिए तो यहाँ काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें भी है। मुझे नहीं पता था है ना, ये चापानेर भी बोला जाता है। ये देखिए टोरन चापानेर। हूँ मांची, तो ये लिखा है पावागढ़ मांची। तो हमें वहाँ तक जाना है, अभी 3 किलोमीटर है। तो हम मांची से जो सीढ़ियाँ है वो चढ़ना स्टार्ट करेंगे। जमीन आप, आपके भरोसे है मेरी जिंदगी, अब मुझे ले जा ऊपर। तुझे तो बंदर ले जाने चाहिए उसके में। तो ये देखिए काफी बढ़िया पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, मस्त है, मतलब मजा आ गया इधर आके। ये देखिए है ना, तो काफी ये सब देखने को मिलेगा, वरना यार जीप में जाओगे तो कुछ देखने को ज्यादा अच्छा मिलेगा नहीं। वो रहा माता जी का मंदिर भी दिख रहा है यहाँ से, ये पुरानी बिल्डिंग सब पत्थरों की, काफ़ी बढ़िया है, मस्त। तो ये कुछ सूर्य चंदन मणि विषाम अन्न क्षेत्र, मतलब ये रेस्ट रूम जैसा है, यहाँ आराम करना तो हम कर सकते हैं, धर्मशाला जैसा होता है ना। चलिए तो अभी चलते हैं, मंजिल काफ़ी दूर नहीं है, नज़दीक है। तो अभी हम चलते हैं। तो हम काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद माची पहुंच गए ना। जमीन ने बहुत चलाया आज, तो दिखाता हूँ माची, रुको। तो ये रहा माची, मतलब यहाँ से जो सीढ़ियाँ है तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। बस भी आती है, लेकिन बस हमने देखी नहीं आ सकते भाई, कैसा फुल टर्न लगाते हैं। थोड़ा सा डिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो पलट जाएगी, बट सो पूरी की पूरी पलट जाएगी। तो वो रहा मंदिर, काफ़ी नज़दीक हो गया अब तो, पहले काफ़ी दूर था लेकिन अब काफ़ी रोपवे पर नज़दीक लग गया। आपको एम जोन से जो दाउटी रोपवे कहाँ है, रास्ता आपको एम एम कहीं नहीं कहाँ जा रही थी बैठा थी बात कहाँ है ना, मंटर रोपवे नहीं देखा था हूँ रे। ए मेरी रही गैप माँ से गैप माँ, हाँ ये रही रोपवे। हाँ ये पीछे का व्यू भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, काफ़ी मस्त व्यू है पीछे का भी। तो ये पहला पगड़ है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहला खत पूरा होगा, पहला गणवाना रही गया जो लाइट ना चाहे बड़ा पगड़ है। हाँ तो बहुत ही अच्छी भाई, बहुत आराम मिला। तो असली सीढ़ियाँ जो है वो रेवापट से स्टार्ट होती है। कितनी है, 1800 है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं पूरा। आउट में कहा जो लू खबर वीक लेटर। तो काफी पगट ये चढ़े, अभी तो सीढ़ियाँ चढ़ ही रहे, पता नहीं कितनी बुरी हुई। लेकिन इधर लोग काफी रहते हैं, देखो सबकी स्टोर है खुद की, तो मतलब इनको जो रोजगार है वो भी यहाँ से मिल जाता है। बोला भी नहीं जा रहा, काफ़ी थक गया हमारे ब्लॉग कौन मन नहीं करो, मतलब काफ़ी स्टोर है, मतलब इनको रोजगार यहाँ भी मिल जाता है, वो यहाँ पे रहते हैं। इसलिए हिल स्टेशन को क्या है कि गवर्नमेंट भी ज़्यादा प्रोत्साहन देती है, काफ़ी ज़्यादा इनको रोजगार मिल सके। तो जाओ घूमने। तो अभी थोड़ा ही बाकी है, काफ़ी चढ़ गए हम, पीछे का आप देख सकते हैं काफ़ी ऊँचा है। हम डायरेक्ट नीचे से चल के आए। लोग क्या करते हैं कि माची तक जीप या बस में आते हैं, लेकिन हम नीचे से भी चल के आए तो थक गए, इसलिए अभी थोड़ा ही बाकी है। तो अभी चढ़ जाऊँगा। तो अभी 1080 सीढ़ियाँ जो हमने चढ़ ली, वो एक सीढ़ी पे लिखा है तो पता चला, मुझे पता नहीं था लेकिन वहाँ लिखा था तो पता चला। अभी 800 बाकी है ना,
अभी 800 बाकी है, 780 मतलब, हाँ 780 बाकी है, तो अभी वो भी थोड़ी देर में चढ़ जाता है। अभी कितने बजे पता आपको? तो अभी 6:51 हुई है, 7 मतलब 8:30 तक पहुँच जाएंगे। हाँ ना, 7:30 तक पहुँच जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में मस्त निकलते हैं। इधर का वाइब काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मस्त ठंडा पवन आ रहा है, मतलब घर से काफ़ी शांति, एकदम चिल मारने का। इधर आके बैकग्राउंड का देखिए, पीछे दिखाता हूँ, ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको पूरा वाला। ठीक है चलो। तो फाइनली हम ऊपर आ गए, कार भेज रहा हूँ महाराज। मंदिर साइड बन रहा है, मस्त बन रहा है, अच्छा बन रहा है। अभी दर्शन करते हैं, आपको भी कराता हूँ हो सके तो। ठीक है, वो रहा मंदिर उस साइड है। भगवान तो फाइनली हम ऊपर आ गए, माता जी के दर्शन भी कर लिए। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, मतलब 1800 सीढ़ियाँ लिखी है, लेकिन वो टोटल है कितनी, 2260 ना, 2260 सीढ़ियाँ है, तो पूरी चढ़ ली हमने। तो काफ़ी मज़ा आ गया चढ़ने में। दिखाता हूँ, हमने चढ़ने का स्टार्ट किया था मालूम है। तो हम मतलब 5:30 को चालू किया था हमने, तो अभी 7:15 हुए हैं, मतलब 2 घंटे में हम पूरा चढ़ गए। काफ़ी मरियम मतलब पूरा हम चढ़ ही गए, तो काफ़ी मज़ा आया जाने में। मंदिर के अंदर आपको शूट नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ मना है फ़ोटो शूट करना, और कुछ भी कैमरा इसलिए मैंने नहीं बता सका, लेकिन आपको व्यू यहाँ का पक्का दिखाऊंगा व्यू, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया व्यू है। मतलब देखते पीछे काफ़ी डुमस, अभी तक ज़्यादा दिख नहीं रहा, जितना हो सकेगा उतना मैं आपको दिखाता हूँ। रुको, नीचे जा रहे हैं, पता नहीं जमीन क्या है नीचे, तो अभी नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या है नीचे। मतलब उठावान नहीं डायरेक्ट नीचे हैं, उठावान नहीं डायरेक्ट नीचे। तो वो जो है ना दिख रहा है ना, वो तो वहाँ भद्रकाली माता का मंदिर है, तो वो भी शायद हो सके तो हम जाएंगे, हो सके तो नहीं जाएंगे जाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा वो मंदिर भी पूरा। अभी ना पहले इधर जाते हैं, मस्त व्यू भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है, मैं मतलब पागल हो गया हूँ देख के, उसे इधर से जाने का मन ही नहीं कर रहा।
बाजू में डूढ़िया तालाब है तो उसके बगल में बैठे हैं, मस्त शांति तरीके से बैठे हैं। और मतलब क्या एसी से भी ठंडा पवन आ रहा है, एकदम चिल, एकदम कूल, एसी की भी ज़रूरत नहीं है। इधर आके मैं तो कहता हूँ कि गाडले बाडले लेके इधर ही सो जाते हैं, घर नहीं जाना, अब संन्यास लेके इधर ही रह जाते हैं। काफ़ी मशक्कत की लेकिन फिर माता जी से हमने फाइनली मिल ही लिया। और अभी तो थोड़ा नीचे आ गए हैं, मंदिर तो उस तरफ है ऊपर, अभी इधर ही बैठते हैं थोड़ी देर। तेरी महिमा